पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी अभिमन्यु पूनिया को राजस्थान यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही सुधींद्र मूंट और यशवीर सूरा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस संबंध में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने आदेश जारी किए हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फरवरी 2023 में वोटिंग हुई थी। सितंबर में नतीजे घोषित करके अध्यक्ष के अलावा बाकी पदों पर नियुक्तियां हुई थी, लेकिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नतीजों को रोका था। नतीजों की घोषणा नहीं करने के पीछे की वजह ये मानी जा रही थी कि कांग्रेस पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विधानसभा चुनाव से पहले कोई टकराव नहीं चाहती। साथ ही अध्यक्ष बनने के बाद अभिमन्यु पूनिया ने सचिन पायलट से मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि युवा कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर युवा हृदय सम्राट, युवाओं के मार्गदर्शक, लोकप्रिय जननेता आदरणीय सचिन पायलट जी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। राज्य में बीजेपी के कुशासन के खिलाफ युवा कांग्रेस का हर एक साथी मजबूती से लड़ेगा। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर अभिमन्यु पूनिया को सबसे ज्यादा 2.30 लाख वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर सुधींद्र मूंट और तीसरे नंबर पर यशवीर सूरा रहे। गौरतलब है कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और सचिव से लेकर जिला अध्यक्षों के पदों पर पहले ही नियुक्तियां भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।